कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। कल के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा और क्या होने वाला है। मेरे प्रियजनों, नीति वचन 27 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, कल के विषय में डिंग मत मार। भैया, तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, डिंग मारते हैं, कल के विषय में घमंड करते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो एक भाप के समान हो। मेरे प्रियजनों, वचन साफ कहता है, हमें घमंड नहीं करना है, हमें ये नहीं कहना है हम ये करेंगे, कल वो करेंगे, ये करना है। हमें घमंड डिंग नहीं मारना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि दिन भर में क्या होगा। हम फिर से नीति वचन का अध्याय लेकर आए, आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। वीडियो को ध्यान से देख लेना, समय निकाल कर। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सुबह शाम प्रार्थना में लगे रहिए, परमेश्वर आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। हमारा स्वर्गीय घर, मेरे प्रियजनों ध्यान से वीडियो देखना, हमारा स्वर्गीय घर, हमारा स्वर्ग में घर है, जो परमेश्वर सबको दिया है। हम सभी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारा स्वर्ग में घर है, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमारा सरीखा डेरा या जो घर यहाँ का है, यह खत्म हो जाएगा। हम नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे। हम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। मेरे प्रियजनों, हमारा स्वर्ग में घर है। यदि हम प्रभु में ईमानदारी से जीवन बिताते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, ईमानदारी से जीवन बिताते हैं, तो प्रभु हमें एक स्वर्गीय जीवन देगा, स्वर्ग का मुकुट देगा, स्वर्ग का जीवन देगा। हमारा घर यहाँ पर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हम इसलिए चिंता ना करें कि हमें क्या खाना क्या पहनना है। परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, परमेश्वर जानता है। सुबह शाम प्रार्थना में लग रही है, वचन में बने रहिए, वचन पर चलिए, खराई से चलिए। प्रभु की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, प्रभु जानता है, उसके वचन पर चलो। कि परमेश्वर यह चाहता है मेरे प्रियजनों कि हम उसके वचन पर चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञा अपने दिल में अपने अंदर रख छोड़े। यीशु ने कहा है, धन्य वह पुरुष जो धर्मियों के मार्ग में चलता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों की मार्ग में बैठता है, न ठट्ठा करने वालों की संगत में बैठता है। धन्य और शुद्ध और पवित्र यीशु पिता ने कहा उस पुरुष को। किस पुरुष को? जो पुरुष पापियों के मार्ग में नहीं बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियजनों, क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहता है, वह परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान धरता है। कि प्रभु ने कहा है, व्यभिचार मत करो, पाप मत करो, चोरी मत करो, चुगली ना करो, गाली ना दो, किसी स्त्री का, किसी औरत का लालच ना करो। मेरे प्रियजनों, ये सब क्या है? आज्ञाएं यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से दिया है। एक वचन मैं आपसे बता रहा हूँ, नीति वचन 7 अध्याय के 6 वचन से हम 27 वचन तक पढ़ देते हैं, बाइबल से प्रूफ आपके लिए। ये नीति वचन अध्याय आपके लिए बेहद ही जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये वचन आप ही के लिए है, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके बुरे मार्गों से, बुरे काम से, बुरे विचारों से, बुरे पाप से, लोगों की मीठी चुकड़ी बातों से आप बच जाओगे, यदि ये वचन आपके अंदर है। मेरे प्रियजनों, इसलिए मैं 1 अध्याय नित्य वचन का तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमें वचन में चलना ही चलना है। मेरे प्रियजनों, ठीक है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको समझाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उसने एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में पाई जाती थी और एक कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़ के चूमा और लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बड़ी चढ़ाने दे और मैंने अपनी मन्नते आज ही पूरी की है, इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली हूँ।
मैं तेरे दर्शन की खोजी थी सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मित्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेल बूटे कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस और अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहेंगे। हम परस्पर की प्रीति से आनंद रहे क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौटाएगा। ऐसी ही बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और जैसा बैल कसाई खाने को वह जैसा बेड़ी पहने हुए कोई मुड़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसके प्राण कहां जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री की ओर ना फिरे, उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घातकियों की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के ढलान में पहुंचाता है। मेरे प्रियजनों, वचन नीति वचन साफ हम सभी से परमेश्वर का वचन कहता है, जो पुरुष स्त्री या लड़की के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। लड़कियां औरतें लालच देती हैं, पाप कराने के लिए फुसलाती हैं, व्यभिचार कराने के लिए फुसलाती हैं, परंतु वचन कहता है उनसे सावधान रहे। तू कहीं उनकी चिकनी या चुपड़ी मीठी मधुर बातों में ना आके फंस जाना। तू लालच में आकर न फंस जाना। तू व्यभिचार की अभिलाषा करके उसके पीछे न भाग जाना। तू पाप न कर देना। कहीं तू उसके साथ शारीरिक संबंध न बना देना। कहीं तो उसके साथ सोता हुआ न पकड़ा जाए। कहीं तो उसके साथ व्यभिचार न कर दे। कहीं तो उसके साथ पाप न कर दे। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो, और तुम ऐसी स्त्रियों से दूर ही रहो जो चिकनी चुपड़ी मीठी और मधुर बातें बोलती हैं। वे इसलिए बोलती हैं ताकि जवान पुरुष को अपनी मीठी और प्रबल माया में फंसा लें, ताकि वे उसके साथ पाप करें, व्यभिचार करें। अरे बोलती है, मेरा पति अभी घर में नहीं है, वह तो दूर देश को चला गया है। चल अब हम रात भर परस्पर की रीति से प्रेम तक सुबह तक बाट जोते रहेंगे, जी बलाते रहेंगे। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता, ऐसी स्त्रियों से दूर ही रहे। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे। आपका जो मन है ऐसी स्त्रियों की ओर भी ना फिरे। ना देखो उनके विलासा ना करो, क्योंकि वे खुद नहीं जानते वे कहाँ जा रही। उसका घर मृत्यु की ढलान पे है। जितने उसके पीछे जाते हैं, जितने औरतों के लड़कियों के पीछे जाते हैं, उनकी दशा ऐसी है जैसा वचन में लिखा है, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। यदि आप स्त्रियों की प्रबल माया में फंस जाते हो, पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, तो आप उस स्त्री के साथ साथ आपका नरक में जाना तय है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो और उसके वचनों को अपने भीतर बसा के रखे हो, अपने अंदर बसा के रखे हो मेरे प्रियजनों, तो आप धन्य हो। कोई स्त्री आपको लालच देके पाप नहीं करा सकती है। आप उसकी चिकनी या चुपड़ी बातों में नहीं फंस सकते हो। मेरे प्रियजनों, अपने अंदर वचन रखो। वचन होना बेहद ही जरूरी है। अरे पिता ने सभी के लिए कोड़े खाए हैं, मार खाइए, हमारा तो स्वर्ग में घर है, हमारा तो स्वर्ग में घर है मेरे प्रियजनों। इसलिए कोई पाप या कोई गुनाह न करें, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। हम नीति वचन के अध्याय पर चलें, उसके वचनों पर चलें। आगे लिखा मेरे प्रियजनों, नीति वचन 6:29 में, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कहीं उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। वचन में साफ लिखा है,
यदि कोई इंसान कोई मनुष्य यदि आप पराई स्त्री के पास जाते हो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस कर यदि आप जाते हो तो आप दंड से कदाचित नहीं बचोगे। परमेश्वर आपको दंड देगा, दंड देगा। जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनके साथ में विचार करोगे ये मूर्ति पूजा के बराबर है। पाप है मेरे प्रियजनों, पाप है, गुनाह है, व्यभिचार है, इसकी एक ही सजा है मौत, मौत, मौत। अभी समय है, पाप छोड़ दो, अभी जिंदा हो, यीशु को याद कर लो, मन फिरा लो, पापों से तोबा कर लो और सावधान हो जाओ, संचेत हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस संदेश को सुनिएगा और अपने मसीह होने के पास दबा के शेयर करिएगा। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक। आमीन।